हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व एक बहुत इजी मेथड से। जिस मेथड का नाम है टिक टैक टो मेथड। ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x - 6। सबसे पहले हम इस पर टिक टैक टो बनाएंगे, यानी दिस। अब हम चेक करेंगे कि 4x² को ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4x² है। 2x और 2x इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x² आएगा। सिमिलरली हम -6 के लिए चेक करेंगे। -6 के लिए हम -3 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2x multiplied by 2 दैट इज 4x, और यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x multiplied by -3 दैट इज -6x। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 4x - 6x - 2x। देखिए ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये मेथड गलत है। हम इसे रब करके दोबारा ट्राई करते हैं। अब हम दोबारा टिक टैक टो बना के चेक करेंगे। जब हम दोबारा बनाएंगे, हम दोबारा देखेंगे 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें। तो जब हम 4x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 4x² ही आएगा। सिमिलरली -6 के लिए अगर हम 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास -6 ही आएगा। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x multiplied by -2 दैट इज -8x, और 3 multiplied by x दैट इज 3x। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। -8x + 3x वुड बी -5x। अब देखिए यहाँ और यहाँ सेम आ रहा है, इसका मतलब मेथड सही है। अब हम इन दोनों को ही जोड़ के पेयर बनाएंगे। 4x और 3 यानी 4x + 3 वन ब्रैकेट में, x और -3 यानी x - 2 अनदर ब्रैकेट में। इस तरह हम बहुत इजीली, बहुत जल्दी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है टिक टैक टो मेथड।